आओ खुशबू, तुम बहुत दिन से कह रहे थे ना कि तुम्हें मेरा घर देखना, आओ तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। चलो ये दो खुशबू, ये मेरा घर है ना। अच्छा घर क्या ये तुम्हारा घर? इतना फटीचर सा, तुम यहाँ रहते हो? मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसे घर में रहते हो। अरे तुम्हारे पास आईफोन था, तुम्हारे कपड़े इतने अच्छे थे, तो मैं सोची तुम्हारा उठना बैठना ना अच्छे लोगों में होगा, पर ये एक गरीबों में रहते हो तुम, गरीब खाने में। छी छी छी। तो क्या होगा खुशबू, घर तो घर होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। और सही तो है घर, हम दोनों आराम से रह लेंगे। और वैसे भी खुशबू, तुम तो मेरे पैसों से कहाँ प्यार करती हो, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, तो तुम्हें छोटे बड़े घर से क्या फर्क पड़ता है, मेरे कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है, गाड़ी घोड़े कुछ भी हो, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तुम तो मुझसे ही प्यार करती हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वैसे भी जब हम दोनों शादी कर लेंगे, साथ में कमाएंगे, साथ में घर को बड़ा कर लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, अच्छे से रहेंगे, तुम साथ दोगी तभी ये सब हो पाएगा। मैं अकेला तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, आज की दुनिया में कोई भी इंसान अकेला कुछ नहीं कर पाता, उसको एक प्यार करने वाला चाहिए, साथ देने वाला चाहिए, वो तुम हो मेरे लिए खुशबू। क्या कह रहे हो, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे फर्क पड़ता है, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? अरे स्टैंडर्ड एक मेरा और तुम्हारा स्टैंडर्ड अगर ये है तो मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना, चले जाओ मेरी लाइफ से। और तुम जैसे भतीजे के साथ मैं बिल्कुल रहना पसंद नहीं करती। और तुम क्या कह रहे हो, इस घर में रहूंगी मैं तुम्हारे साथ? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं रहना चाहती मैं तुम्हारे साथ इस घर में। वो भी कल तक तो तुम मुझसे ये कहते थे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। और आज तुम मुझसे फटीचर कह रही हो और ये कह रही हो तुम्हारे साथ मैं नहीं रह पाऊंगी क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरा छोटा घर है। कुछ मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी तुम मुझसे ऐसा बोलोगी। और कुछ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। हर चीज ना प्यारी नहीं होती, पैसा रुतबा ये सब भी कुछ होता है। अरे तुमने एक घर ले लिया है, तुम्हारे पास आईफोन था, तुम्हारे कपड़े इतने अच्छे थे, लेकिन उस सबका क्या? अरे ऐसे घर में ऐसे क्या ही फायदा, रहे तो तुम गरीब की गरीबी ना। और यार सुनो, आज की बार ना मुझसे बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मुझे तुम जैसा बंदा चाहिए ही नहीं, गेट आउट। अरे खुशबू रुको, मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, समझो मेरी बात को खुशबू। हाँ बोलो क्या है अब तुमको? मैं तुमसे कहा ना कि मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी, मुझे तुम्हारी बात सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा कोई। और हाँ, आज से हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अरे हाँ खुशबू, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर अभी के लिए ना तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरा दूसरा घर देखो। चलो क्या तुम जैसे गरीब के पास दूसरा घर भी है? तुम जैसे फटीचर दूसरा घर भी रखते हैं? बहुत बढ़िया, चलो मैं भी देखती हूँ कितना बढ़िया घर है तुम्हारा। आओ चलो, ये देखो खुशबू, ये मेरी गाड़ी XUV500। और देखो खुशबू, ये है मेरा घर। बताओ तुम्हें ये वाला घर कैसा लगा, और मेरी ये वाली ब्लैक कलर की XUV कैसी लगी, है ना अच्छी जैसी तुम चाहती थी? अरे वाओ बेबी, तुम्हारा इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा, इतनी बड़ी गाड़ी। बेबी तुम तो बहुत अमीर हो, मैंने सोचा कि तुम्हारा वो वाला घर देखे कि तुम बहुत गरीब हो, पर तुम तो बहुत अमीर निकले। पर बेबी तुमने मुझे वो वाला घर क्यों दिखाया जब तुम्हारे पास इतना बड़ा घर है ऑब्वियसली? तो फिर अरे बेबी अब तुम एक काम करो, मुझे तुम्हारा घर देखना है, मुझे अंदर से जाकर पूरा पूरा घर देखना है। चलो अंदर चलते हैं और फिर ना उसके बाद गाड़ी में घूमने चलेंगे। चलो अंदर। रुको खुशबू, कोई कहीं नहीं जा रहा, ना कोई घर देखने जा रहा, ना कोई गाड़ी में घूमने जा रहा, तुम ना इन सब के लायक ही नहीं हो, तुम ये सब डिजर्व नहीं करती। एक्चुअली ना तुम मुझे भी डिजर्व नहीं करती, तुमने ना बहुत गलत किया। पता है मैंने तुम्हें अपना पुराना घर क्यों दिखाया, ताकि मैं ये देख सकूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर मेरी अमीरी से, मेरी गाड़ी से, मेरे घर से, मेरे पैसों से। और आज मुझे ये पता चल गई कि तुम मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार करती हो, और तुम ना मेरे लायक ही नहीं हो। अरे बेबी प्लीज ना मुझे तुम माफ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती होगी। वो तुम्हारा वो घर देख के ना मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया तुम पे कि तुम बहुत गरीब हो, तुम इतने अच्छे तरीके से रहते हो, तुम्हारे पास फोन इतने महंगे महंगे, तो मुझे लगा तुम अमीर हो गए। और जब तुमने मुझे अपना वो वाला घर दिखाया ना, तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया तुम पे। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारा ये वाला घर बहुत अच्छा लगा। भाई तुम्हारी कार है ना, ये भी बहुत अच्छी है। प्लीज चलो ना मुझे अपना घर दिखाओ। और हाँ, जो भी कुछ अंदर हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो प्लीज बेबी, प्लीज आई एम सो सॉरी। क्या मैं तुम्हें माफ कर दूं? अरे अब तुम मेरे पास पैसे देख रहे हो, गाड़ी देख रहे हो, तो अब तुम फिर से कहने लग गए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ऐसा है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। एक्चुअली मुझे ना हमेशा से ऐसी लड़की चाहिए थी जो मुझसे प्यार करे, ना कि मेरे पैसों से। पर तुम ना उनमें से नहीं हो, तुम ना बस पैसों से प्यार करती हो और किसी से नहीं। कल को तुम मुझसे अच्छा मिल गया ना पैसे वाला रईस, तो तुम उसके पास चली जाओगी, तुम ना कभी मेरा साथ नहीं दे पाओगी, तो मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, तुम ना चुपचाप यहाँ से चली जाओ। प्लीज विशाल तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती होगी। प्लीज हमारा ना कोई ब्रेकअप नहीं हुआ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, पर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती होगी प्लीज। नहीं खुशबू, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता एक पल भी। और हाँ, तुम ना मेरे दिल से निकल चुकी हो,
अब मैं तुमसे पहली तरह प्यार नहीं करता, नफरत करता हूँ, नफरत। जाओ यहाँ से।